के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देती हूँ। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख एवं समृद्धि दे, आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। और ये जो त्योहार है दशहरे का त्योहार, ये असत्य पे सत्य की विजय का प्रतीक है, बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक है। माँ दुर्गा आप सभी देशवासियों को इतनी शक्ति दें, आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार करें कि आप सभी अपने खिलाफ जो राक्षसी प्रवृत्ति या जो बुरी शक्तियां आपके खिलाफ जो खड़ी होती हैं आपके अंदर, उनसे लड़ने की माँ दुर्गा आपको शक्ति दे, ताकि आप सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने जीवन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करें, मुकाम को प्राप्त करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। और साथ ही मैं पूजा समिति के आयोजकों को भी एक संदेश देना चाहूंगी कि जो पूजा समिति के आयोजक हैं वे शांतिपूर्ण ढंग से इस पूजा को वे लोग मनाएं और माताओं एवं बहनों की सुरक्षा का, बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें और साथ ही पूजा को बिल्कुल भक्ति की भावना से मनाएं। और पूजा के त्योहार में जो माँ की प्रतिमा को देखने के समय जो भीड़ उमड़ती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या काफी आती है और उसमें एम्बुलेंस वाले बीमार लोग अक्सर उसमें फंस जाते हैं, मैं ये आग्रह करूंगी कि वे एम्बुलेंस को जल्द से जल्द रास्ता दें और लाउड स्पीकर्स की जो आवाज है उसको थोड़ा नियंत्रण उस पर रखें, ताकि बीमार लोगों को थोड़ी असुविधा न हो और साथ ही बुजुर्गों को कोई असुविधा न हो। और विसर्जन के समय शांतिपूर्ण ढंग से आपसी प्रेम और सौहार्द को बनाए रखते हुए विसर्जन को संपन्न करें। दुर्गा पूजा की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।